दोस्तों अब हम लोग आते हैं पिलर, तीसरे पिलर पे, जो है बीइंग एनरोलिंग एंड इंस्पायरिंग। इस दुनिया में यदि आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो आप इनरोल करके पा सकते हैं, आप फोर्स करके नहीं पा सकते। फोर्स करके यदि आप पाएंगे भी तो तात्कालिक होगा, मैनिपुलेट करके आप नहीं पा सकते। मैनिपुलेट करके भी पाएंगे आप तो तात्कालिक होगा, जहां सामने वाली पार्टी को मौका मिलेगा वो उस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि आपने सामने वाले को इंस्पायर कर दिया, उनको आपने समझा दिया और वो प्रेरित हो गया, यस इससे हमारा भी फायदा है, तो वो काम जरूर होगा और हंसते खेलते होगा और खुशी खुशी होगा। आज यदि अपने कंट्री में जीएसटी लग गया, उसके पीछे है कि सारे राज्य के लोगों के साथ इनरोल किया गया, समझाया गया, लोगों को प्रेरणा मिली कि हाँ इससे हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को फायदा है, इसलिए सब लोग मिलके उसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं इनरोलमेंट, इसको कहते हैं टीम वर्क। उसी तरह से कोई भी कंपनी यदि आगे बढ़ना चाहती है तो इनरोल करके, कस्टमर को इनरोल कर लिया तो वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई, टीम को इनरोल कर लिया आपने, जितने भी सीनियर मैनेजमेंट हैं या मिडल मैनेजमेंट हैं, तो वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन का पिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक शर्त ये है कि आदमी अपने अंदर कंप्लेन ना रखे। कंप्लेन किसी आदमी के बारे में आप रखेंगे और इनरोल करना चाहेंगे तो नहीं होगा। आपके अंदर ये बड़प्पन होना चाहिए कि आप उस सारे कंप्लेन को छोड़ सकें, और फिर सामने से जब आप बात करते हैं, प्रश्न उठता हो सकता है कि आप अमेरिका के साथ कहें, समझौता करें कि भाई हमें आप ऐसी टेक्नोलॉजी दीजिए जो हमें ज़रूरत है और कम पैसे में दीजिए। तो जब आप कंप्लेन छोड़ेंगे कि हाँ ये लोग एक्सप्लॉइट करने वाला है, यदि ये कंप्लेन है तो आप कभी इनरोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप वो छोड़ देते हैं, नहीं वो भी व्यक्ति जेन्युइन है, वो भी इंडिया का डेवलपमेंट देखना चाहता है, और तब जाके आप बात करते हैं तो रास्ता निकल सकता है। उसी तरह से पाकिस्तान के साथ हो सकता है। जब हम कंप्लेन छोड़ेंगे तभी हम इनरोल कर पाएंगे, और इनरोल करने के लिए सामने वाले को क्या स्थिति है वो बताना पड़ता है, क्या नुकसान है बात नहीं मानने का वो बताना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से क्या फायदे हैं। यदि सामने वाले को फायदा समझ में आ जाता है तो वो जरूर स्टेप लेगा, लेकिन ये समझाने की कला आपके अंदर आनी चाहिए, जिसको कि इसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू बताया गया है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि आपके टीम में वो कौन से 30 लोग होंगे जिन लोगों के सहारे आप अपने मिशन को कामयाब करेंगे। हम लोग अपनी टीम बनाते ही नहीं है तो आपका बड़ा मिशन कैसे होगा। आज मुझे यदि डेवलप्ड इंडिया करना है तो मुझे 30 लोगों की टीम बनानी होगी कि वो कौन से लोग होंगे जो इस टीम में होंगे। आप यदि मुझसे पूछेंगे मैं बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द वन फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो यदि डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जम गए तो बन जाएगा। तो उनको कैसे इनरोल करूं कि वो टीम में आए, तो मैं उनको चिट्ठी लिखता हूं, मैं उनको ईमेल लिखता हूं, कुछ चिट्ठी का जवाब देंगे वो, कुछ का नहीं देंगे, लेकिन मैं अपना कर्म करते रहूंगा क्योंकि मुझे उनको अपने टीम में लेना है। मैं बाबा रामदेव को अपने टीम में लेना चाहूंगा, उनको भी मैं आने वाले समय में चिट्ठी लिखने वाला हूं। मैं रतन टाटा साहब को अपनी टीम में लेना चाहूंगा, मैं उनको भी चिट्ठी लिखूंगा। मैं हर व्यक्ति को इनरोल करना चाहूंगा जो इंडिया के लिए, देश के लिए और देश को विकसित करने के लिए अपना समय और अपनी संसाधन को समर्पित करना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी न किसी को तो उनके पास पहुंचना होगा, संवाद का रास्ता खोलना होगा, और इसीलिए इनरोलमेंट का बहुत बड़ा हाथ है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। कहा जाता है कि यदि आप यह ठान लें कि यह मुझे चाहिए, और आप में यदि इनरोलमेंट की कला आती है,
तो आपको वो मिल के रहेगा। इसलिए ये पिलर, तीसरा पिलर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।